ये स्कूल के जो अध्यापक हैं बुक्का देकर नीरज चोपड़ा को सम्मानित कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीरज चोपड़ा की। बहुत यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, काफी भीड़ मौजूद है मतलौडा के, मतलौडा से लेके मेरे अपने गांव तक जाएंगे खंदरा तक। और आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे जो हैं उनके स्वागत के लिए कैसे फूलों की वर्षा यहाँ हो रही है नीरज चोपड़ा पर। इसी स्कूल से वो 12वीं कक्षा पास करके गए थे, भारतीय विद्या निकेतन जो स्कूल है इसी स्कूल से उन्होंने 12वीं कक्षा पास की थी। और आज वो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और काफिला काफ़ी बड़ा है इनका, क्योंकि देख सकते हैं दूर तक तिरंगा झंडा जो आप देख सकते हैं, ये तिरंगा यात्रा, तिरंगा हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है नीरज चोपड़ा जो आप देख सकते हैं। ये दिखाई, हमने लगातार आपको तस्वीरें दिखाई नीरज चोपड़ा का जो भव्य स्वागत हुआ है गांव मतलौडा से लेकर उनके गांव तक ये लोग जाएंगे और अब वो घर पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें दिखाने का लगातार आपको प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए इस खबर के साथ, बने रहिए, लगातार हम आपको पल पल की तस्वीर देते रहेंगे। और सामने देख सकते हैं कितना बड़ा ऊपर आ कितना बड़ा काफिला है ये नीरज चोपड़ा का। ये आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और हर व्यक्ति के हाथ में आज भारत की शान आन और बान तिरंगा, जिसकी शान टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने बढ़ाई है। और दूर तक आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला बाइकों पर, गाड़ियों पर, ट्रैक्टर पर। और लगातार हमें तस्वीर अब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही दोपहर के लगभग 12 बजे के करीब आप पहुंचे हैं और दूर तक दिखाना जाएंगे काफी कई किलोमीटर तक का ये काफिला है नीरज चोपड़ा का, जो हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतलौडा में भव्य स्वागत हुआ उनका, भारतीय विद्या निकेतन स्कूल में भी जो बच्चे बाहर खड़े हुए थे क्योंकि रश और ज़्यादा की वजह से। और आप देख सकते हैं माहौल किस तरह का, यहाँ देशभक्ति में माहौल बना हुआ है। नीरज चोपड़ा के गांव तक ये काफिला जाएगा जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं और तिल भर भी जगह नहीं बची, हर नौजवान के हाथ में तिरंगा है, तिरंगा नीरज चोपड़ा हाथ में लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने, जो संस्कार थे उनके हाथ जोड़कर, किसी को निराश नहीं किया, लोगों से हाथ मिलाया, लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। नीरज चोपड़ा जो उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, वो मिलनसार स्वभाव के हैं, खुश मिजाज हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मतलौडा से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और देश का गौरव बढ़ाया, 121 साल का जो सूख है वो समाप्त किया एक छोटे से युवा ने, छोटे से गांव से निकलकर देश का नाम चमकाया है पूरे विश्व के अंदर। और देख सकते हैं कितने किलोमीटर का ये जो काफिला है, ये हम अपना लगातार ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है, जोश है, उमंग है, भावनाएं जुड़ी हैं देशभक्ति से, नीरज चोपड़ा से, जो उन्होंने नीरज चोपड़ा ने जो आज काम किया है। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से खुशी जताकर लोग हाथ हिलाकर, तालियां बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, तिरंगा हाथों में लेकर, गाड़ियों की छतों पर बैठकर। और ये पीछे तक आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला हम ग्राउंड मीडिया को, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कि किस तरह का माहौल आज यहाँ बना हुआ है। अभी जब हालांकि 20,000 आदमियों के खाने पीने का व्यवस्था की गई है, 200 के करीब हलवाई बिठाए गए थे और हर चीज़ जो है देसी घी के अंदर वहाँ बनाई गई है खाने पीने की। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से, जैसे ही नीरज चोपड़ा के आज 17 अगस्त है, आने की सूचना मिली थी कि 17 अगस्त को नीरज चोपड़ा अपने गांव में पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से बढ़कर भी यहां लोगों में जोश, उमंग, भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। युवा हैं,
ये देखिए जोश, ये देखिए जोश लोगों का, ये देशभक्ति का जो जज्बा है, ये नीरज चोपड़ा के कारण ही आज आप देख पा रहे हैं ये काफिला, ये जो उमंग है, ये जो उत्साह है। त्योहार आने से पहले ही गांव मतलोडा से लेकर खंदरा तक ये काफिला जैसे ही चला था, और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लोग लबालब तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं है। और तिरंगा जो देश की शान है, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा है, और जोश और उमंग है। और सामने देख सकते हैं आप काफ़ी भीड़ यहाँ जमा मौजूद है, और लगातार यहाँ हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत स्वीकार किया नीरज चोपड़ा ने। सामने बस में सवारी हैं, कुछ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं ग्राउंड मीडिया का भी हमारा। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह से जैसे ही सूचना मिली थी कि नीरज चोपड़ा आज 17 अगस्त को अपने घर पहुंचेंगे, और उससे पहले रास्ते में उनका जो भव्य स्वागत किया गया है, शायद वो पानीपत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ जितना स्वागत आज नीरज चोपड़ा का हुआ है। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, 8वां अजूबा कर दिखाया उन्होंने, जिसे दुनिया बोलती है। और 121 साल जो इंतज़ार था देश को कि स्वर्ण पदक विजेता कोई जीत के आए ओलंपिक, और आज जो स्वर्गीय सरदार मिल्खा सिंह हैं, जो धावक थे हमारे, उन उड़न सिख कहा जाता था जिन्हें, आज उनकी अंतिम इच्छा पूरी है। क्योंकि उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवित रहते कोई देश का जो युवा है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक में। और वो सपना जो है नीरज चोपड़ा 23 वर्ष का जो युवक था, पूरे देश का जो लाडला था, वो आज उसने सपना सच कर दिखाया है। सरदार मिल्खा सिंह का, जिन्होंने कहा था कि मेरे जीवित रहते कोई स्वर्ण पदक जीत रहे, 2-2.5 महीने पहले हालांकि उनका स्वर्गलोक हो गया, और आज वो भी बहुत खुश होंगे ये नज़ारा देखकर, जहां भी हैं वो ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होंगे। नीरज चोपड़ा ने जो काम किया है आज राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।